पहली बार जुड़े हैं दिनेश भाई, जो कि बहुत ही अच्छे राइडर हैं। अब मैंने दिनेश भाई को कहा, दिनेश भाई आप गाना गा रहे हो तो यार मैं ऐसे रह तो नहीं पाऊंगा, मुझे भी गाना गाना है यार। पहला खूबसूरत दृश्य को करना जो है वो फॉरेनर्स की बहुत ही पहली पसंद है। एक इंसेक्ट बहुत तेजी से आया और मेरे आइस के जो ऊपर का एरिया है वहां पर टकराया। ज्यादा गड़बड़ हुई तो मुझे शायद ये राइड जो है वो टर्मिनेट करनी पड़ सकती है। काफी लोग ये जानना भी चाहते हैं कि मैं गोवा में करता क्या हूँ, फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए बार बार आया हूँ तो बस एक इंसान को जरूर याद करूंगा। दोनों तरफ खेत, नीचे होता हुआ रास्ता। 1200 रुपए पर नाइट में एसी रूम यहाँ पे मिलता है। मजा आने का दो कारण है, तो प्रेस जी के साथ आए। लंच हम लोग डिनर के टाइम पे कर रहे हैं 4:30-5 बजे। जब जाओगे तब सवेरे। दोस्तों इस वक्त जो है हमारी जो प्राइवेट बोट हमने जो की है 3000 रुपीज, बहुत ही जबरदस्त वेव्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा पकड़ते हुए गिर सकता हूँ। पुरानी बहुत ही एंशियंट टाइम में बनी हुई पालकी है, रथ है। वहाँ पे जो ऑरा था उस टेम्पल में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। पैंट पे धोती आप बांध सकते हो और कपड़े उतारने पड़ेंगे। फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल परेश जैन में स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो खास तौर पे बन रहा है अश्वेम बीच से। सीधे हम जा रहे हैं गोकर्णा के लिए, जो कि करीब करीब यहाँ से 187 किलोमीटर है और 4.5 घंटे की राइड है। तो इस राइड में मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं दिनेश भाई, जो कि बहुत ही अच्छे राइडर हैं। संजोग से पिछली बार भी जब गोवा आया था इनके साथ राइडिंग का एक प्लान बना था पर हम जा नहीं पाए, तो इस बार कल ही बैठ के बात हुई कि हम ये राइड का प्लान साथ में प्लान करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाली है दिनेश भाई के साथ में इस बार। और दिनेश भाई मजा आने वाला है। और जब जाओगे तब सवेरा हर बार करते रहेंगे, जब भी प्रेस जी गोवा आएंगे तो हम मारेंगे साथ। यस। और दिनेश भाई के बारे में बता दो कि इनके यहाँ पे दो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी भी है, लामोर अमाथा और तीसरा आरती स्पा। तो सारे डिस्क्रिप्शन जो हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उनके प्रॉपर्टी के सारे डिस्क्रिप्शन, तो आप जब भी कभी गोवा आए तो ये मेरी होटल से आपको यहीं पे उतरना है। थैंक यू वेरी मच। चलो दिनेश भाई की पहली पसंद रॉयल एनफील्ड है, तो उन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड को कल ही राइड पे जाना था, इसके लिए कल ही उन्होंने से पूरा सर्विसिंग करा के एकदम टकाटक रेडी कर दिया है। और मुझे नहीं पता था कि दिनेश भाई के पास अभी ये पूरा किट विट सब कुछ है। ही इज हैविंग अ जैकेट, हेलमेट, ग्लव्स, नी गार्ड, एवरीथिंग। तो ये जान के और भी अच्छा लगता है कि यार वो मेरी तरह लॉन्ग राइड तो नहीं करते हैं लेकिन तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं। तो मजा आने वाला है दोस्तों आज की ये पहली राइड इनके साथ में, और आगे भी इनके साथ में जो है बहुत ही खूबसूरत राइड जो है होने वाली है। तो ये देखिए हम मोरजिम पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही पुरानी याद है दोस्तों, इस वक्त आज मेरे आंखों के सामने आ रही है, ताज़ा हो रही है। इसी रास्ते से पुराने साल भी मैं यहीं पे, लास्ट ईयर भी मैं यहीं से गुजरा था यहाँ पे काफ़ी बार। और पिछली बार जब हम गोवा आए थे तो काफ़ी सारे नए दोस्त मेरे बने थे, जॉर्जी, आदित्य, रिया, अमी, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत धमाल की थी। और दिनेश भाई जो है वो आदित्य के और मेरे कॉमन फ्रेंड, मैं इनसे पहली बार जब मिला था तो वो आदित्य के कारण ही मिला था। और पिछली बार इनके जो होटल की ओपनिंग थी अमाथा, जो कि मोरजिम पे है, उस ओपनिंग के ऊपर दिनेश भाई ने और आरती ने हमें इनवाइट किया था। ट्रस्ट मी गाइस, जो धमाल की थी पूरी रात, हमने ब्यूटीफुल 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 एंड आउटस्टैंडिंग पार्टी। और दिनेश भाई के बारे में और ही बता दूँ, इनकी खासियत है बहुत कुछ है, जिसमें से कुछ खासियत मैं आपको बता दूँ कि एक तो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत ही सुलझे हुए शांत इंसान है। दिनेश भाई जो है बहुत ही अच्छे सिंगर है। तो जब अमाथा में हमने लॉन्चिंग पार्टी रखी थी इन्होंने, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो उस लॉन्चिंग पार्टी के बाद में दिनेश भाई जो है अपने करियोके पे आ गए और उन्होंने एक से बढ़कर एक जो गाने गाए थे पूरा समा बन गया। और मैंने दिनेश भाई को कहा, दिनेश भाई आप गाने गा रहे हो तो यार मैं ऐसे रह तो नहीं पाऊंगा, मुझे भी गाना गाना है यार। तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये लो माइक, शुरू हो जाओ। फिर 2-4 गाने उन्होंने गाए, 2-3 गाने मैंने गाए, फिर 2-4 गाने इन्होंने गाए, फिर मैंने गाए। ये सिलसिला जो था रात भर तक, सुबह 4 बजे तक ये चलता रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत से मेमोरीज है मेरी दिनेश भाई के साथ में, इनकी वाइफ आरती के साथ में। तो अब और इसी श्रृंखला में, इसी सिलसिले में कुछ और नई मेमोरीज को बनाने के लिए आज फिर एक बार, पहली बार हम दोनों साथ हैं और कुछ नई मेमोरी क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। पहला खूबसूरत दृश्य, सुबह का सबसे सुहावना मौसम और सबसे सुहावना दृश्य आप देख सकते हैं। इस वक्त हम ये एक तरफ से कहूँ तो मैं आपको, ये लेक है और आगे जाके ये समुंदर को कनेक्ट हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। और मैं आपको यह दृश्य जो एक बार सेडलिंग करके, मतलब बाइक पे खड़े होके आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए इसका व्यू क्या है, ये इट्स अ ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। मज़ा आ गया। तो आज के जो
आगे की जो हैंडलिंग है वो दिनेश भाई के हाथ में, वो जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, वो जहाँ कहेंगे हम वहाँ लंच करेंगे और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे। बोले पेट्रोल रिफिल किया है और एक बार एयर प्रेशर भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉम्बे से निकलने के बाद अभी तक जो है मैंने बाइक के टायर्स का एयर प्रेशर नहीं चेक किया है। तो आगे के टायर में 28 और पीछे के टायर में 30। नज़ारे से होते हुए मैं निकल रहा हूँ, इस तरफ भी पाम ट्रीज है और रास्ते के बीच में जो है कंटिन्यूस पूरे रास्ते में ऐसे पाम ट्रीज लगे हुए हैं, उस तरफ भी आप देख सकते हो। तो मुझे पता नहीं क्यों है, समुंदर से और पाम ट्री से बहुत ही बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं देख के पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ। आज मैं गोवा से गोकर्णा जा रहा हूँ पहली बार, तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड इस पूरे वीडियो को लेके बहुत ही खूबसूरती के साथ इस वीडियो को शूट करने वाला हूँ। तो आपको भी ये देख के बहुत ही मज़ा आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैं जानता हूँ जो कि आज तक गोकर्णा नहीं गए हैं, मेरे जान पहचान में, मेरे सर्कल में, मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो उनकी जानकारी के लिए ये बता दूँ कि गोकर्णा जो है वो फॉरेनर्स की बहुत ही पहली पसंद है। जब फॉरेनर्स लोग इंडिया में आते हैं तो वो सबसे पहले गोकर्णा जाते हैं, गोकर्णा से फिर गोवा आते हैं, इस बिटवीन में वो पालोलियम पे भी रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो है साइलेंट शांति प्रिय होते हैं, तो साइलेंट जगह जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और मेरा खुद का भी बचपन से वही स्वभाव रहा है कि मुझे शोरगुल हल्ला गुल्ला ज़्यादा पब्लिक जो है पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी अच्छी लगती है मुझे। तो ये सारे जो एरिया है पालोलियम गोकर्णा अश्वेम बहुत ही शांति से भरे हुए बीचेस हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही क्रीम क्राउड, अच्छा क्राउड मिलता है और बहुत ही मिनिमम क्राउड मिलता है। तो बस आपको भी यही कहूँगा, अगर आप भी अगर मेरी तरह हो तो इन्हीं जगहों पर घूमो, इन्हीं जगह पर स्टे करो, आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आएगा। आ चुके हैं और आज का ये दूसरा खूबसूरत दृश्य जो है वो यहाँ से देखने वाला है, इस ब्रिज के ऊपर से। तो चलिए वो भी आपको दिखा लेता हूँ, देख लीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मीन्स बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य है यहाँ से। मुंबई में जो इस वक्त बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी ठंडी पड़ रही है, वहाँ पे कड़ाके की ठंडी पड़ रही है मैं कह सकता हूँ। अगर आप गोवा आएंगे तो गोवा उतना अच्छा ठंडा क्लाइमेट नहीं है, डे टाइम पे यहाँ टेम्परेचर करीब करीब 26-27 डिग्री टेम्परेचर है और रात को भी इतना ठंडा नहीं है। पर हाँ, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो रात को, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, अश्वेम टू आरम्बोर, आरम्बोर टू अश्वेम, मोरजेम, तो हाँ आपको ठंडी लगेगी, ठंडी लग सकती है। हालांकि मुझे इतनी ठंडी यहाँ पे लगती नहीं, मैं बिना जैकेट के ही ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मुझे ये क्लाइमेट बहुत पसंद है। लेकिन आप लोग अगर आ रहे हो बॉम्बे तो बॉम्बे से यहाँ पे तो ज़रूर अपना जैकेट कैरी कीजिए। जो है ओपन करके बाइक चला रहा हूँ और मैंने अंदर एक गॉगल्स पहना हुआ है और इस वजह से जो अभी थोड़ी देर पहले एक दिक्कत हो गई है, एक इंसेक्ट बहुत तेजी से आया और मेरे आइस के जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे टकराया है और हल्का सा मुझे वहाँ पेन हो रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए इसकी वजह से। राइट साइड में एग्जैक्टली आँख के ऊपर कुछ उसने काटा है मुझे ऐसा लग रहा है और उसकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो गया है। आई डोंट नो, अगर थोड़ी देर और देखूंगा मैं इसे, अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई तो मुझे शायद ये राइड जो है वो टर्मिनेट करनी पड़ सकती है और यह हो सकता है कि नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गोवा के जो रास्ते हैं ज़बरदस्त रास्ते हैं, इतने खूबसूरत रास्ते हैं कि आप बाइक यहाँ पे 120-140 पे भगा सकते हो और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। सीरियसली गोवा गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे रोड तो यार मुंबई महाराष्ट्र में भी नहीं है, जितना अच्छा काम इन्होंने यहाँ पे रास्तों पे किया है। तो ये हाईवे से एक पहला छोटा सा लेफ्ट टर्न आया है जो कि हमें दूसरी जगह से कहीं कनेक्ट करेगा। ये अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। खैर, इतनी खूबसूरत एंटीक और थोड़ी पुर्तगाली स्टाइल की जो बिल्डिंग है, ये है यहाँ की हॉस्पिटल। बहुत ही खूबसूरत सा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है, ये देख के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से मडगांव सिटी का नज़ारा कुछ देख लीजिए, सामने ये ब्यूटीफुल सी एक खूबसूरत सी चर्च, और सिटी से होते हुए यहाँ पे निकल रहे हैं, ये प्रॉपर सिटी में आ चुके हैं और कारवार के लिए जो यहाँ से राइट बता रहा है और हमें कारवार से होते हुए ही जो है गोकर्णा जाना है। तो अब जो है पहाड़ों वाला रास्ता पूरा शुरू हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा आती है ऐसे रास्तों पर कॉर्नरिंग करते हुए चलाना। तो इट विल बी लाइक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस।
to ride a bike on such a kind of beautiful road with beautiful scenic beauty. गोवा में आप जब भी आते हो तो एक तो वाइन शॉप से वाइन जब खरीदते हो या ड्रिंक्स की बॉटल खरीदते हो तो उसे मोबाइल से बार कोड मोबाइल से उसके बार कोड को स्कैन करो और स्कैन करने से अगर उस कंपनी की साइट खुल जाती है इसका मतलब वो ओरिजिनल है और नहीं खुलती है इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। दूसरा इजीएस्ट वे आपको बताता हूँ कि जब भी कभी आप गोवा आते हो और वाइन शॉप से कोई भी ड्रिंक बाय करते हो तो ऑलवेज ट्राई टू बाय मिनिएचर बिकॉज मिनिएचर में डुप्लीकेसी 99% नहीं होती है। तो ये एक दूसरी बहुत ही महत्व की बात इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको आज बता दी है। अब जो है ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ रुकने वाले हैं, होपफुली कि यहाँ पे सब प्रॉपर मिले। जाने का वक्त आ गया है। वैसे ये होटल जो थी सरिता होटल नाम है इसका और यहाँ पे दिनेश भाई जो है अक्सर पहले भी काफ़ी आ चुके हैं तो उन्होंने ये होटल सजेस्ट की थी। नाश्ता बहुत अच्छा था, चाय बहुत माइंड ब्लोइंग थी, दो दो चाय हम दोनों ने पी है। वैसे तो डाइट पे रहता हूँ आप लोग तो जानते हैं काफ़ी समय से मैं चाय बहुत अवॉइड करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आज मैं खुद रह नहीं पाया, दो चाय पी ली है मैंने। तो अब जो है यहाँ से हम चलेंगे और सीधे अब जो है यहाँ से 1 घंटे 57 मिनट का रास्ता है, करीब करीब 92 किलोमीटर जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। और हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे करीब करीब 1:15 बजे। तो जाने के बाद हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट है, जाते ही बस होटल सिलेक्ट करनी है, होटल अभी तक हमने डिसाइड की नहीं है। होटल सिलेक्ट करेंगे और फिर सीधे हम जाएंगे पैराडाइज बीच, ओम बीच और शंकर भगवान का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है वहाँ पे, बहुत ही बड़ी उनकी मूर्ति है तो वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो आज का दिन जो है बहुत बिजी रहने वाला है और हाँ वीडियो शूटिंग भी काफ़ी करनी है, व्लॉग्स बनाना है तो अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ मिलने वाला है। तो आई एम सो एक्साइटेड, सो नाउ लेट्स गो फ्रेंड। मैं गोवा आता हूँ तो लोगों को बहुत सारी धारणाएं बन जाती है मुझसे कि यार तो गोवा अकेले जाता है, वहाँ पार्टी करता है, वहाँ पे ड्रिंक्स बहुत करता होगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है बट मैं जो मेरा काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते हैं कि मैं गोवा में करता क्या हूँ, फिर 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए जब भी आता हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे दिन मेरा जो शेड्यूल रहता है वो यही रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत रीड करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, बीच के ऊपर करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर की वॉक करता हूँ इवनिंग को, और इस दरमियान मैं ओशो के जो प्रवचन होते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के एक प्रवचन होते हैं, मैं एवरीडे 3 से 4 घंटे या कभी 5 घंटे भी मैं उनके प्रवचन सुनता हूँ। और इस बार जो मैंने उनके प्रवचन सुना है वो गीता से है, गीता के ऊपर ओशो ने बहुत ज़बरदस्त प्रवचन दिए हैं और इतनी गहराई में गीता के एक एक पन्ने को, एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को समझाया है कि मैं स्पीचलेस हूँ। मैंने करीब करीब उनके 18 से 20 घंटे के प्रवचन सुन चुका हूँ और अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, क्योंकि गीता इतना छोटा विषय नहीं है जिसे आप 2-4 घंटे या 15-20 घंटे में भी आप पढ़ लो, समझ लो या सुन लो, पूरे जीवन का सार है। तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में कभी आपको मौका मिले तो गीता को जरूर पढ़े। तो दोस्तों इस वक्त जो है हम कारवार के अंदर पहुँच चुके हैं, कारवार में एंटर हो चुके हैं और एंटर करते ही सबसे पहला जो खूबसूरत दृश्य है वो ये है। और कारवार आया हूँ तो बस एक इंसान को ज़रूर याद करूँगा जो कि अक्सर जब भी मैं बाइक राइड पर निकलता हूँ तो मुझे फ़ोन करते रहता है और बात करते रहता है और उसकी शुभकामनाएँ हमेशा मेरे साथ रहती है। तो कारवार से बिलोंग करता है देवेन, देवेन का नेटिव प्लेस है कारवार। तो भाई देवेन तेरे गांव में पहुंच चुका हूँ, मेरे साथ में मेरे फेलो राइडर दिनेश भाई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड जो है मेरी बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं इनके साथ में अपनी स्पीड को मैच कर रहा हूँ, 70-80 पे चला रहा हूँ। अदरवाइज इस रास्ते पे आप 150 की स्पीड में अभी बाइक भगाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पागल हो जाओगे। पहुंच चुके हैं और मेन बीच की तरफ जा रहे हैं और रास्ता जो है बहुत ही सकरा है, अंदर से अंदर। अंकल ये गोकर्णा बीच किधर है जाने का रास्ता, यहाँ से बाइक जाएगा ना? थैंक यू। तो ये है गोकर्ण बीच, इस वक्त हम गोकर्ण बीच पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए सामने खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा आज का ये दृश्य, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है आरके कॉटेज रिसोर्ट ऐसा कुछ नाम कहा है तो गूगल में अपने वही डाला हुआ है जो कि खूबसूरत सी प्रॉपर्टी, बीच साइड प्रॉपर्टी है ऐसा उन्होंने कहा है। दोनों तरफ खेत
बीच से होता हुआ रास्ता, और ये जो है हम सीधे पहुंच चुके हैं आरके कॉटेज यहाँ पे। दिस इज आरके कॉटेज। यस ब्रदर, रूम्स अवेलेबल? विच वन? AC, non-AC? AC. How many people, sir? Two people. तो इस वक्त जो है शाम के बजे है करीब करीब चार, और हम जो है थोड़ी देर बीच पे गए थे अभी गोकर्ण बीच पे, जो कि यहाँ का लोकल बीच है। बहुत ही मिनिमम पब्लिक के साथ, बहुत ही कम लोग इस बीच पे, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी है। तो थोड़ा देर इंजॉय किया, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो फिर से एक बार अपने रूम पे आए। तो चलिए आपको एक बार रूम भी दिखा देता हूँ कि 1200 रुपये पर नाइट में AC रूम यहाँ पे मिलता है। होटल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप भी जब गोवा से निकल के गो करना आओ या और कहीं से भी गो करना हो तो मस्ट स्टे ओवर हियर, देख लीजिए। ये है हमारा रूम, ये है AC बेसिन, और ये है वॉशरूम। तो बहुत ही बेसिक रूम है, पर आप जब स्टैग में आते हो तो आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए, बहुत इनफ है आपके लिए ये। तो अब चलते हैं यहाँ से ओम बीच की ओर, जहाँ पे नमस्ते कैफ़े करके एक बहुत ही खूबसूरत सी रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ की। तो वहाँ जाएंगे और थोड़ा चिल आउट किया जाएगा, चलते। तो दोस्तों इस वक्त जो है मैं और दिनेश भाई पहुँच चुके हैं ओम बीच पे, और वाकई कहूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है फिलहाल। जो इसका एंट्रेंस है आपको दिखाऊँ तो एक बार कैमरा रोटेट करके ये देखिए, और मेरे साथ है दिनेश भाई पहली बार। हाय दोस्तों, हम लोग इस टाइम कर्नाटका के बहुत ही सुंदर बीच पे हम लोग आए हुए हैं। हाँ। और बड़ा फेमस बीच है यहाँ का ओम बीच। तो अभी हम भी पहली बार आए हैं, हम एंजॉय करेंगे और आप भी प्लीज हमारे साथ एंजॉय कीजिए। दिनेश हाँ। भाई की ये पहली इतनी लंबी राइड थी 4.5 घंटे की, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल। और मजा आया सही में? मजा आने का दो कारण है। हाँ। तो परेश जी के साथ आए सबसे पहला, और बस दूसरा भी इन्हें के साथ जो एंजॉय कर रहे हैं वही। दोनों सिमिलर हैं, सोच हमारी सिमिलर है, बहुत सिमिलरिटी है, और बस इसी का मजा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। हाँ। दुआ करना हम सबके लिए हमारी राइड अच्छी हो हमेशा। यस गाइस, सो वी हैव रीच्ड टू द नमस्ते कैफे, जो कि ओम बीच की सबसे फेमस स्पॉट है, जहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं और काफी लोगों के बहुत ही खूबसूरत से रिव्यू है इस नमस्ते कैफे को लेके। तो आज का लंच या डिनर क्या बोलूं मैं, लंच ही होगा, बीच मिडल है। लंच हम लोग डिनर पे, डिनर के टाइम पे कर रहे हैं 4:30-5 बजे। तो आज का लंच हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। राइडर्स का यही होता है, जब जाओगे तब सवेरा। तो इसका एंजॉय करेंगे, आप भी आइए प्लीज। हाँ, आ जाओ। बैड लक था कि 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ये बंद होता है, और अब बहुत जोरों की भूख लगी थी दिनेश भाई को, लेकिन अब उनको कोल्ड ड्रिंक से और मुझे बियर से काम चलाना पड़ेगा। तो अब हम जो है यहाँ पे जो बोट्स है, मैंने अभी पूछा कि ये बोट्स हमें कहाँ पे लेके जाती है, तो इन्होंने बताया कि ये पैराडाइज बीच पे लेके जाती है और 300 रुपीज पर पर्सन है ऐसा इन्होंने कहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हम एक बोट हायर करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम शेयरिंग नहीं करेंगे, प्राइवेट बोट ही कर लेंगे सीधी, ताकि अकेले इंजॉय करते करते जाए यहाँ से। तो लेट्स गो फॉर अ बोट राइड, चलते हैं। आप सेपरेट लेके जाएगा तो 3500 होता है। तो दोस्तों इस वक्त जो है हमारी जो प्राइवेट बोट हमने जो की है 3000 रुपीज में, जो कि मून बीच, पैराडाइज बीच और पता नहीं एक दो बीच और बताए उन्होंने, हमें लेके जाएंगे। तो दिनेश भाई और मैं जो हम पूरे इंजॉय करने वाले इस बोट राइड को, कम ऑन, आइए आपको दिखाते हैं आज। तो आज के लिए हमारी जो बोट है वो ठीक मेरे सामने है, आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। ये है हमारी आज की प्राइवेट बोट, ठीक है। तो अब हम इसमें चलेंगे और अगले 1 घंटे तक हम इसी को एंजॉय करने वाले हैं। लेट्स गो। अब पूरा मजा लेने वाले यहाँ से। इधर हाफ मून बीच है सर, और ये हाफ मून शेप है, ऐसा हाफ मून बोलते हैं। लो टाइड टाइम में ये बीच हाफ मून शेप में दिखाते हैं, ऐसा हाफ मून भी बोलते पानी। तो दोस्तों इस वक्त जो हम हाफ मून बीच पे है गोकर्णा में, 2-3 जगह जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिनमें से एक हाफ मून बीच है। तो इस वक्त जो मेरे सामने है वो यहाँ का पैराडाइज बीच है, बहुत ही खूबसूरत सा बीच है। यहाँ पे काफी सारे टेंट्स भी लगे हुए, टेंट्स में भी रहने के ऑप्शंस है, आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो,
और बहुत ही जबरदस्त वेव्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं कैमरा पकड़ते हुए गिर सकता हूँ, पर ठीक है, कैमरा रोटेट करके आपको यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड पैराडाइज बीच। इस वक्त जो हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से डॉल्फिन्स काफ़ी सारी दिखती है। अब ये हमारे नसीब पे मैटर करता है कि हमें दिखे ना दिखे, क्योंकि इस वक्त सामने से सनलाइट आ रही है तो शायद रिफ्लेक्शन में हम देख भी ना पाए, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कैप्चर। दोस्तों इस वक्त गोकर्णा के जिस जगह पे हूँ वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा और बहुत ही ह्यूज जो है पालकी है। मैंने इतनी बड़ी पालकी आज तक कभी कहीं पर भी नहीं देखी है, तो सोचा कि इस दृश्य को मैं कैप्चर कर लूँ कैमरे में और आपको भी दिखाऊँ कि कैसी पालकी होती है यहाँ पे। जब साल में एक बार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता होगा तो भगवान जी को इसमें रख के फिर इसको हाथ से खींच के चलाना पड़ता है, जो कि इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हो। ये एक पहली पालकी है और दूसरी पालकी की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए कितनी गजब की ये पालकी है और इसके टायर्स देखिए, रस्सी देखिए। आई थिंक इसे खींचना, इसको चलाना बहुत ही नामुमकिन सा टास्क है। और ये जो है इस वक्त दिनेश भाई के ठीक पीछे वाली ये वाली पालकी, जो कि कितनी भव्य और विशाल है, आप इसकी कारीगरी देखिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत 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 पुरानी, बहुत ही एंशियंट टाइम में बनी हुई पालकी है, रथ है। इस वक्त जो है शाम के बजे है करीब 6:40 और हम आए यहाँ पे गोकर्णा के महाबलेश्वर टेंपल में। तो चलिए आपको ले चलता हूँ महाबलेश्वर टेंपल में, आइए। दोस्तों आज का दिन जो था बहुत ही हार्ड शेड्यूल था हमारा, दिनेश भाई और मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा मजे लिए आज। बराबर है, एक ही दिन के अंदर हम लोग यहाँ पहुंचे करीब 1 गोकर्णा में, लेकिन 1 से इस वक्त बजे है रात के 10:30। हम लोगों ने 3 बीच 4 बीच करीब बराबर है 4 बीच कवर की है, बोट राइड की है और काफी कुछ एक्सप्लोर किया है। बेस्ट वॉज महाबलेश्वर का टेम्पल, माइंड ब्लोइंग जो हमने चीज देखी। आई लव दिस टेम्पल और आप लोग भी जब कभी इधर आए तो प्लीज जरूर आए। और हमने जो आज दिस स्पेशल डे, हमारा स्पेशल डे जो निकला है, हमने सारी चीज एक्सप्लोर की है और आपको दिखाएंगे। और जब आप देखोगे तो जरूर, जब आए हैं आप तो जरूर आके यहाँ देखिए जरूर। स्पेशली महाबलेश्वर के टेम्पल के बारे में आपको बता दो दोस्तों कि वो हजारों साल पुराना टेम्पल है। जिस वक्त मैंने शूट किया उस वक्त मैंने कहा नहीं कि मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो रावण के काल का टेम्पल है, इतने हजारों साल पुराना टेम्पल। और उसके जो बाहर रथ थे जो मैंने शूट करके बीच में डाले हैं वो भी हजारों साल पुराने रथ है। तो वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग मोमेंट। और वहाँ पे जो ऑरा था उस टेम्पल में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। हाँ, बट एक चीज़ जो थी, अगर आप कभी आप आओगे यहाँ पे तो आप पैंट और जींस में अलाउड नहीं हो, आपको धोती पहननी पड़ेगी। नहीं अलाउड हो ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है, आप जेंट्स के लिए जरा पैंट पे धोती आप बांध सकते हो और हाँ। कपड़े उतारने पड़ेंगे आपको, शर्ट उतारना पड़ेगा, शर्ट अलाउड नहीं है, टी शर्ट अलाउड नहीं है, आपको टॉपलेस होके जेंट्स के लिए अंदर जाना पड़ेगा। जेंट्स के लिए, जैसे रेगुलर कपड़े में जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। तो ये आज हमने कुछ अनूठा अनोखा कुछ अद्भुत सा काम आज महाबलेश्वर टेम्पल में शंकर भगवान के मंदिर के दर्शन करने के लिए हम दोनों ने आज ये किया है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। इसी रात को बाय बाय करते हुए विदाई करते हुए गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच।